अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब खैर और आफिया से होंगे। जी व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ दम कबाब, मटन के दम कबाब की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो बहुत मजे के बनते हैं और मेरी फैमिली में ये बहुत पसंद किए जाते हैं और मेरे घर में बहुत शौक से ये खाए जाते हैं और फरमाइश पे ये बनते हैं। तो मैंने कहा इस स्पेशल पे मैं अपनी व्यूअर्स के साथ भी अपनी रेसिपी ये शेयर करूँ, तो आप इसको जरूर बनाइएगा, आपको बहुत पसंद आएंगे। आप इंशाल्लाह इसी रेसिपी से बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छे और बहुत मजे के ये लगेंगे, तो आप इसको ट्राई जरूर कीजिएगा। तो चले अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। मटन कीमा 1 किलो है। अब इसमें मैं 3 मीडियम साइज के जो प्याज मैंने ये देखे मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे, ये अब मैं इसको अच्छे से इसका पानी निकाल दूंगी। ये देखिए ये भी इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी नहीं डालना, पानी से जरा मिठास आ जाती है। आपने पानी प्याज का अच्छे से इसको दबा के निकाल के ये भी इसमें डाल देना, इस तरह आपने डाल देना। और ये अदरक लहसुन है, ये भी 1 टीस्पून है। कम इसमें जाएगा क्योंकि मसाले में भी जाना होता है, इसलिए इसमें 1 टीस्पून ही जाएगा। इसमें ये भी डाल देना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखेंगे 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मिर्चे पीसी हुई है, 1 टीस्पून सूखा धनिया है पिसा हुआ, और 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा है ये भी पिसा हुआ है, और 1 टीस्पून मैंने गरम मसाले का लिया है, ये भी हल्का सा तवे पे भून के ये भी मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, ये सारे मसाले इसमें चले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको आपने अच्छे से हाथ की मदद से मिक्स कर लेना है। आपने नमक यहाँ पे आपने चख लेना कि कम है ज्यादा है, ज्यादा तो नहीं, इंशाल्लाह कम नहीं होगा, तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक जितना आप डालना चाहें उतना नमक डालना चाहिए, मगर इसमें थोड़ा सा नमक हो तो इससे ये मजे के बनते हैं ज्यादा। अच्छे से आपने इसको मिक्स करना है ताकि सारा मसाला जो है ना एक जान हो जाए। ये देखिए इसको मिक्स करने के बाद आपने ये मैंने लिया हुआ, इसमें आपने थोड़ा थोड़ा सा कीमा डाल के इसमें मैंने इसको मसाला मिक्स करके इसको मैंने ये कुंडी डंडे में अच्छे से इसको कूट लिया था, और ये देखे बिल्कुल सारा मसाला इसमें अच्छे से मिक्स हो गया। अब यहाँ पे ये मैं थोड़ी सी कुटी हुई मिर्चें और ये काली मिर्च 1 टीस्पून ये भी इसमें मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भी डाल, और 1 टेबल स्पून मैंने बेसन का लिया था, इसको मैंने तवे पे हल्का सा भून लिया था, ये भी मैं इसमें डाल दूंगी क्योंकि इसको डालने का मकसद ये है कि कबाब जो होते हैं ना वो टूटते नहीं है। इसमें ये भी आपने इसमें डाल के अच्छी तरह इसको अपने मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद इसको आपने 10-15 मिनट के लिए इसको आपने छोड़ देना है ताकि इसमें अच्छे से मसाला का जो फ्लेवर है वो कीमे के अंदर चला जाए। आपने इसको 10-15 के लिए मिनट के लिए छोड़ के उसके बाद फिर आपने इसको कबाब बनाने हैं। मिक्स करने के बाद 15 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ जो मैंने इसमें सारे मसाले डाले हैं। 1 किलो मैंने मटन कीमा लिया था, आप चाहे तो बीफ भी ले सकती हैं। उसमें मैंने मीडियम साइज के 3 प्याज कद्दूकश करके उसका पानी अच्छे से निचोड़ के वो मैंने इसमें मिक्स कर दिया। उसके बाद 1 टीस्पून मैंने फुल भर के मिर्चों का डाला पिसी हुई, 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला डाला पिसा हुआ, 1 टीस्पून मैंने जीरा भुना हुआ वो भी डाल दिया, 1 टीस्पून सूखा धनिया मैंने पिसा हुआ डाला, और 1 टीस्पून भर के नमक का मैंने इसमें मिक्स कर दिया। जब इसको अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया उसमें मैंने कुंडी डंडे में इसको अच्छे से कूट लिया। उसके बाद मैंने इसको बाहर निकाल लिया कूटने के बाद। उसके बाद मैंने इसमें कुटी हुई 1 टीस्पून भर के मिर्च डाली, 1 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्च डाली, बेसन 1 टेबल स्पून मैंने तवे पे भून के उसको वो इसमें मिक्स कर दिया ताकि कबाब जो हमारे हैं वो टूटे ना। अब मैंने इसको 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था। तो चले अब मैं आपको बताऊं कि कबाब कैसे बनाते हैं। हाथों पे ऑयल लगा के आपने इतने इतने कबाब ये देखे इस शेप में बनाने हैं। ये आपने इस शेप में इसको अच्छे से हाथ की मदद से इसको दबाना है, ये इस तरह, और इधर आपने इसको ऐसे प्रेस कर देना ताकि इसकी जो
ये इस तरह करके, ये एक एक करके आपने इस तरह इसको प्लेट में रख देना। फिर आपने इसको दूसरा लिया, ये इस तरह करके पहले हाथ की मदद से ना आपने इसको अच्छे से कीमे को दबा लेना, ताकि हमारे जो कबाब है ना वो टूटे ना, ये इस तरह करके। फिर आपने इसको ऐसे, इससे दबाने से ये होता है कि कबाब हमारे टूटते नहीं है और कीमा हमारा अच्छे से जुड़ जाता है। ये इस तरह एक एक करके आपने इस तरह इसको बनाते जाना। ये देखे व्यूअर्स, ये देखे माशाल्लाह कितने अच्छे से ये कबाब हमारे बने हैं। बस आपने ये करना है कि आपने इसको अच्छे से आपने हाथ की मदद से ना इसको दबाना है, दबा के फिर आपने इसको बनाना है, फिर इंशाल्लाह ये टूटेंगे नहीं। तो आपने इसी शेप में और इसी तरीके से आपने बनाने हैं। ये जी व्यूअर्स, ये देखे कबाब हमारे माशाल्लाह बिल्कुल रेडी हैं। तो मैं अब इसकी ना ग्रेवी तैयार करती हूँ। ये देखें माशाल्लाह हमारे कबाब जो बिल्कुल तैयार हो गए हैं, ये देखें। और अब मैं इसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ। जो मैंने कबाब बनाए थे, अब मैं उसकी ग्रेवी ये तैयार करती हूँ। ये देखें एक मैंने प्याली भर के घी की ली है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं इसमें डाल दूंगी। थोड़ा सा इसको मैं गर्म कर लूँ। ये दो मीडियम साइज के मैंने प्याज लिए थे, उसको कट कर लिया, वो भी इसमें मैं डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, इसको हम लोगों ने ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा इसको कलर देना है, ज्यादा हम लोगों ने इसको ब्राउन नहीं करना। व्यूअर्स ये देखिए इतना आपने कलर देना प्याज को। अब ये मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्चों को कूट लिया था, वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, ये भी एक फुल टी स्पून भर के डाल दूंगी। और ये देखे टमाटर थे, ये मेरे पास फ्रीज थे इसलिए मैंने इसको ग्राइंड किया। मैंने तो ग्राइंड नहीं करना था, मैंने वैसे ही डाल देने थे, क्योंकि ग्राइंड किए और फ्रीज किए हुए टमाटर जो है ना वो गलते नहीं है, इसलिए मैंने इसको ग्राइंड किया। आपने ग्राइंड नहीं करना, आपने वैसे ही डालने हैं। ये देखिए मैंने ये पांच टमाटर थे मेरे पास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये मैं इसमें डाल दूंगी। अच्छी तरह इसको भून लें, ताकि जो कच्चापन है प्याज का और इसका अदरक लहसुन का और ये टमाटरों का, इसको हम लोगों ने कम से कम आधे घंटे के लिए मसाले को भून लें। साथ ही मैं ये सूखा धनिया एक टीस्पून, एक टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, एक टीस्पून भर के हल्दी का है, एक टीस्पून नमक है और एक टीस्पून फुल भर के मैंने जीरे का भुना हुआ डाला है। ये मैं सारी चीज़ें इसमें डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये इसके साथ ही डाल दूंगी। अब तेज आंच पे आपने इसको भूनना है। ये देखिए व्यूअर्स, माशाल्लाह कितना अच्छा से हमारा मसाला तैयार हो गया और भून गया। ये देखिए माशाल्लाह तैयार हो गया। अब मैं इसमें जो मैंने कबाब बनाए हुए थे, ये देखिए मैं इसमें एक एक करके डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, इस तरह आपने साथ साथ इसको डालते जाना। आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना, बस इसका जो हैंडल है ना ये आपने पकड़ के इसको ऐसे करके हिलाना है, ये इस तरह करके, इस तरह करके आपने इसको हिलाना। ये पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं इसके ऊपर डाल दूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बस आपने इसकी मदद से इसको हिलाना है, इसमें चम्मच नहीं चलाना जब तक ये पक ना जाए। डालने के बाद ये चम्मच की मदद से आपने इसको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से आपने इसको ऐसे पलटाना है। ये नीचे वाले जो पके होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, एक एक करके ना आपने हल्के हाथ से पलटे, ताकि हमारे जो कबाब हैं वो टूटे ना। इस तरह करके आपने इसको सारे कबाबों को उल्टा लेना है।
मैंने चम्मच की मदद से उनको सबको पलटा लिया, जो नीचे पके हुए थे वो मैंने ऊपर कर दिए। अब इससे मैं ये देखें, ये अदरक और हरी मिर्च ये डाल के इसके और इसको मैं इधर तवे पे हल्की आंच पे इसको रख दूंगी ताकि हमारे कबाब भी अच्छे से गल जाए और मसाला भी हमारा अच्छे से। ये इस तरह आपने इसको 10-15 मिनट, क्योंकि ये मटन है जल्दी गल जाएगा और बीफ हो तो आधा घंटा लगेगा, मटन है तो मटन तो 15-20 मिनट में कबाब इसके गल जाएंगे। तो आपने इसको 15 मिनट के लिए आपने इसको हल्की आंच पे रख देना, इसको तवे पे दम के लिए रख दिया। अब ये 15 मिनट के लिए इसको दम भी आ जाएगा और कबाब भी हमारे अच्छे से गल जाएंगे। आपने इसका फ्लेम जो है ना स्लो कर देना, बस इतना कर देना कि आपने 15-20 मिनट के लिए इसको अब आपने पकाना है। इसको मैंने 15-20 मिनट के लिए दम पे रख दिया था। अब इसमें जो कीमे ने पानी, वो कबाब ने पानी छोड़ा ना, मैं इसको फुल फ्लेम पे दूसरे चूल्हे पे रख के अच्छा सा इसका पानी भी खुश कर लूँगी और हल्के हाथ से आपने इसको इस तरह करके भून भी लेना तेज आंच पे। आपने और कबाबों ने पानी छोड़ा है ना, तो सारा इसमें कबाब हमारे गल रहे हैं, तो इसका हम लोगों ने जो पानी है ना वो खुश कर लिया, हल्के आँच पे आपको करना ताकि हमारे कबाब भी नहीं। इस तरह करके आपने कोई ये चम्मच जो है ना आपने कम चलाना है और इसकी देखने की मदद, ये हैंडल की मदद से ना आपने इसको हिलाना है इस तरह का, इसका अच्छे से ये भून। ये देखिए माशाल्लाह कितने अच्छे से मेरे कबाब कितने अच्छे से बने और टूटे भी नहीं है और इसका घी भी निकल आया और मसाला भी अच्छे से भून गया और कबाब भी हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। तो यहाँ पे ये मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और ये पिसी हुई काली मिर्च है ये मैं ऊपर इसमें डाल दूंगी। ये माशाल्लाह रेडी है। आप मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो आप मेरी रेसिपी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।